ओए व्हाट्सअप यूट्यूब फैम, तो यार कैसे यार आप सब लोग। तो यार मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि यार हम लोग पुशअप नहीं कर पाते हैं, कोई भी पुशअप नहीं कर पाते हैं। तो यार ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सीरियस नहीं है। ये वो होता है कि मतलब जिसके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ होती है, कोर में स्ट्रेंथ होती है, तो वो लोग आराम से कर पाते हैं। तो यार ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो पुशअप्स करना चाहते हैं रेगुलरली। तो ये कोई यार इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। पहले मेरे से भी नहीं होते थे लेकिन अब हो जाते हैं। तो चलो यार करते प्लैंक। तो हम लोगों को कोर पे काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग पुशअप्स मार पाए। बिना कोर पे काम करे आप लोग पुशअप्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों का पोस्चर खराब होगा, फ़ायदा नहीं होगा उन पुशअप्स का। तो यार शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगी, कोर में स्ट्रेंथ आएगी, तभी कर पाएंगे। तो आओ करते हैं प्लैंक। गाइस हम लोग अब प्लैंक करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके हाथ शोल्डर की रेंज से बिल्कुल थोड़े से खुले और ज़्यादा आगे एल्बो नहीं जानी चाहिए तभी। और कोर को बिल्कुल स्ट्रेंथ मतलब टाइट करके रखना है। यार हम लोगों को कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का पूरा प्लैंक निकालना है। 3 सेट में करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कोर स्ट्रेंथ जल्दी होगी, जल्दी कर पाओगे पुशअप। तो 3 सेट में करना 30 सेकंड के। तो यार हमारा सेकंड वर्कआउट है वॉल पुशअप। इसमें आप लोगों को वॉल पे ना थोड़ा इंक्लाइंड होकर पुशअप्स मारने हैं, शोल्डर में फिर से स्ट्रेंथ डेवलप होगी, अच्छे से कर पाएंगे पुशअप। तो आओ करते हैं वॉल पे। यार आप लोगों को वॉल पर आना है, फिर थोड़ा सा इंक्लाइंड होना है और फिर पुशअप्स मारने हैं। यार इसमें भी आप लोगों को धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उसके बाद यार आप लोगों को अपना लेवल नीचे करना है, फिर बैठ या किसी आप स्टूल पे पुशअप्स मार सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा लेवल नीचे करके दिखाता हूँ। यार अब हम लोग नीचे लेवल पर करते हैं, आप लोग घर पे बेड पे या फिर स्टूल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के से हाथ शोल्डर की रेंज से बाहर निकालें और उसके बाद पुशअप्स मारने हैं। यार ध्यान रखना है इसका भी, शोल्डर की रेंज से बाहर हाथ ज़्यादा नहीं जाने चाहिए और कोर आपकी बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए। छोटे आप नी पुशअप्स, इसमें आप लोगों को फ्लैट सरफेस पे लेटकर नी के थ्रू पुशअप्स मारने हैं और कोर बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए आप लोगों की। चलो यार अब हम लोग करेंगे नी पुशअप्स। आप लोगों को नी वाली पोजिशन पर आना है, पीछे से पैर उठाने हैं और फिर पुशअप मारना है। और ध्यान रखना है धीरे धीरे नीचे जाना है और धीरे धीरे ही ऊपर आना है। यार मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने वालों के लिए मैं अब एक बोनस टिप दूंगा। आप लोगों को जब नीचे जाना है तो फिर ब्रीथ आउट करना है और जब ऊपर आना है तो फिर ब्रीथ इन करना है। यार अब हम लोग करेंगे नॉर्मल पुशअप। आप लोगों को ध्यान रखना है कि शोल्डर की रेंज से हाथ बिल्कुल थोड़े से बाहर हाथ निकालने हैं और फिर पुशअप करने हैं। और जब धीरे धीरे नीचे जाना है तो ब्रीथ आउट करना है और धीरे धीरे ऊपर आना है तो फिर ब्रीथ इन करना है। यार ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का बहुत फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की कोर पे। आप लोग पुशअप आराम से कर पाएंगे और जितनी आपकी कैपेबिलिटी आप उतने पुशअप्स मारे, डेली मारे, 3-3 सेट में मारे, जितने सेट्स निकलते आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेप्स निकाले। शोल्डर में जान आएगी, शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगी, डेली करेंगे प्रोग्रेस होगा धीरे धीरे और आप लोग सारे नॉर्मल पुशअप्स आसानी से कर पाएंगे। यार ये था हमारा आज का वर्कआउट सेशन, आप सभी ने देख लिया। इसको डेली फॉलो करें, जल्दी से प्रोग्रेस करो और फिर यार आप लोगों को भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने वर्कआउट को लेकर, तभी सब लोग कर पाएंगे पुशअप्स। ध्यान रखना है सभी चीज़ों का, डाइट को अच्छे से फॉलो करें। और मैं अगली वीडियो बनाता हूँ डाइट पे।
तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, सब्सक्राइब टू पीडीएक्स फिटनेस, स्टे ट्यून्ड।